हेलो एवरीवन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आटा का हलवा, और इसके लिए मैंने गैस ऑन कर दिया है और ये मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला है। घी को मेल्ट होने देते हैं पहले। अभी मैंने फुल फ्लेम पे रखा है ताकि घी अच्छे से मेल्ट हो जाए। घी पूरी तरीके से पिघल चुका है और गर्म हो चुका है, तो अब मैं फ्लेम को थोड़ा लो कर देती हूँ। और ये मैंने अराउंड 250 ग्राम आटा लिया है और इसे मैं अब मिक्स करती हूँ धीरे धीरे। आज महाशिवरात्रि है तो उसके लिए ही मैं ये प्रसाद बना रही हूँ। अब ये अच्छे से मिक्स करेंगे हम। बिल्कुल लो पे है मेरा फ्लेम ताकि ये धीरे धीरे ये भुने। हमें लाइट ब्राउन होने तक इसे भूनना है। अच्छे से मिक्स करते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला था इसमें, लेकिन मुझे लगता है मुझे और 1 टेबलस्पून घी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हलवे में अगर घी आप अच्छे से ऐड करो तो काफ़ी अच्छा बन के तैयार होता है और टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो मैं अब इसे थोड़ा पिघलने देती हूँ घी को फिर से, और फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये पिघल चुका है और मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। आप हलवे में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार घी ऐड करो, आप देख के आप बार बार भी घी ऐड कर सकते हो, तो उससे भी हलवा काफ़ी अच्छा रेडी होता है। अगर आप धीरे धीरे भी हर एक स्टेज के बाद अगर आप घी ऐड करते हो तो अब यहाँ पे घी जो है मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है और आटा पूरी तरीके से मिल चुका है इसमें। तो 250 ग्राम मैंने, जैसा आपको बताया, मैंने आटा लिया था, तो सेम कटोरी से मैंने ये उसका हाफ मैं ये ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ। आपको जो पसंद है आप वो ऐड कर सकते हो, लेकिन ब्राउन शुगर हेल्दी होता है, तो जनरली मेरे सारे डिजर्ट में मैं ब्राउन शुगर ही ऐड करती हूँ। और टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं आता है कि वाइट शुगर का टेस्ट कुछ और हो और इसका कुछ और, टेस्ट बिल्कुल सेम होता है। तो आप भी ब्राउन शुगर ट्राई कर सकते हो। ये मैं पूरी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है और अब मैं इसमें पानी ऐड करने जा रही हूँ। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है। ये मैं पानी ऐड कर रही हूँ और इसे पानी ज़्यादा नहीं डालना है, तो हलवा जो है वो गीला हो जाएगा आप जैसा देख रहे हो। और फ्लेम मैंने लो पे ही रखा है फ्लेम, और इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। अब देख रहे हो ये हलवा बिल्कुल ये तैयार हो चुका है। इसे और हम थोड़ी देर चलाएंगे। इस हलवे का ये लुक देखो, जनरली अगर आप पानी ज्यादा डाल देते हो तो हलवा गीला हो जाता है, लेकिन मैंने पानी मेजर करके जितना मैंने आटा लिया था सेम क्वांटिटी में मैंने पानी डाला, तो ये हलवा तैयार है। मैंने गैस को टर्न ऑफ कर दिया है और चलिए अब इसे मैं यहाँ सर्व करती हूँ। तो ये गरम गरम आटे का हलवा तैयार है। आज महाशिवरात्रि है जिसके लिए मैंने ये बनाया है। आप भी बनाओ और खाओ। Thanks for watching. If you like my video, please like and subscribe to my channel.